डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में डायरिया से पीड़ित करीब दर्जन भर मरीज रोजाना उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। मरीजों की हालत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। इससे अस्पताल के मेडिकल वार्डों के बेड भी भर गए हैं। वहीं रोजाना उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों के आने से अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सकों ने बरसात के मौसम में दूषित पेयजल और खान पान का ध्यान न रखने को डायरिया का मुख्य कारण बताया है। डायरिया में व्यक्ति बार बार मल त्याग करता है और मल पतला होता है। वहीं पाचन शक्ति सही न रहने पर उल्टी भी आती है। डायरिया की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ध्यान रहे कि पानी उबाल कर पिए, अपने आसपास सफाई रखें, संतुलित ताजा एवं पौष्टिक भोजन करें, तले और भुने हुए भोजन से परहेज करें। लक्षण दिखने पर चिकित्सकों के पास जाएं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर भावेश बरवाल का कहना है कि बरसात के मौसम में उल्टी दस्त से पीड़ित अधिक मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। दूषित पानी के कारण मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को मिनरल पानी या उबालकर पानी पीने की सलाह दी है। इसके साथ ही खान पान का विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया। भारतीय किसान संघ जिला हमीरपुर ने शुक्रवार को जिला राजस्व अधिकारी पवन शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। संघ ने मांग उठाई कि HT BT किस्म का कपास, BT किस्म के बैंगन और GM किस्म के सरसों बीज को किसानों तक पहुंचाने वाली विक्रेता कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनमें हानिकारक जीन डाले जा रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सोमदेव शर्मा ने कहा कि जब से BT कपास की खेती का देश में प्रचलन हुआ, तभी से मुनाफाखोर बीज कंपनियों का दबदबा बढ़ गया है और अन्नदाता किसान आत्महत्या करने लगा। उन्होंने कहा कि GM फसल में कोई भी अधिक उपजाऊ शक्ति वाला जीन नहीं डाला जाता है। डॉक्टर श्योमदेव ने कहा कि जो कंपनी ऐसी हरकतें करती है उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। काली सूची में डालना और उन्हें देश के बाहर का रास्ता दिखाना अति आवश्यक हो गया है। HT BT कपास में प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट का विषय अलग है। ये ग्लाइफोसेट सबको मुफ्त में कैंसर आदि भयानक रोग देने वाला है। इसे प्रतिबंधित किया जाए। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन कुमार, अमी चंद प्रिंस ठाकुर, बलबीर किशोर, पुरुषोत्तम लाल चंद्रशेखर, कमलेश रमेश पटियाल, कुलदीप प्रकाश ठाकुर ने सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके साथ उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग उठाई कि लावारिस पशुओं और बंदरों के लिए जंगल में सेंचुरी बनाकर उचित प्रबंधन किया जाए। ऊना, कांगड़ा और सिरमौर में अनाज मंडियां स्थापित की जाए। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस के पर्यवेक्षक संजीव कुटियाला ने कहा कि कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। वहीं महिलाओं को सक्रिय रूप से संगठन से जोड़ने पर भी महिला कांग्रेस को विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए आगामी दिनों में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सभी बूथों पर जाकर बैठकों का आयोजन करेंगे तथा उन्हें प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। बूथ के पदाधिकारियों को प्रदेश संगठन से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक शुक्रवार को हमीरपुर में ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन पर विस्तार से चर्चा की गई। कुटियाला ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बरसात प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिससे संगठन की कमियों को दूर किया जा सके। प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। विकास कार्य ठप पड़े हैं तथा सड़क गड्ढों का रूप धारण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 118 को हिमाचल में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी। कुटियाला ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट में कई कमियां पाई गई हैं, जिन्हें भविष्य में दूर किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ज्वालामुखी के पर्यवेक्षक दीपक शर्मा, चेतन लखनपाल, सुमन भारती, रामचंद्र पठानिया, होशियार सिंह, रतन डोगरा, अजय शर्मा, अंशुल शर्मा सहित कई अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।
सीसीटीवी कैमरे की मदद से श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की जेबें साफ करने वाले जेब कतरों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ने में सफलता हासिल की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्री नैना देवी मंदिर में न्यास द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आज पंजाब के आए श्रद्धालु जिसकी जेब मंदिर परिसर में साफ हो गई। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जेब कतरों की पहचान की गई और एक युवक और छोटी सी बच्ची श्रद्धालुओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब के संगरूर जिला से मलेरकोटला के रहने वाले संजय कुमार मां के दरबार में माथा टेकने के लिए अपने परिवार सहित पहुंचे थे, तो जैसे ही वे मंदिर की मुख्य लाइन में जा रहे थे उनके पीछे एक युवक छोटी बच्ची को उठाए हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था कि संजय कुमार ने कई बार उसे कहा कि आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ, लेकिन युवक उनके साथ साथ चलता रहा। बड़ी होशियारी से उसने भीड़ का फायदा उठाते हुए संजय कुमार के पैसे और गाड़ी की आरसी और पहचान पत्र आधार कार्ड एटीएम कार्ड सब कुछ निकाल लिया। हालांकि इसकी शिकायत श्रद्धालु ने मंदिर में खड़े सुरक्षा कर्मियों से भी की और सुरक्षा कर्मियों ने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसमें एक युवक जो कि बच्चे के साथ था उस पर शक हुआ और फिर चोरी करता हुआ युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसकी फोटो देखकर फिर श्रद्धालु महिलाएं उसको देखने के लिए मंदिर परिसर गई। श्रद्धालु महिलाओं को वह दोबारा फिर लाइनों में घुसते हुए दिखाई दिया और उस लड़के को श्रद्धालु महिलाओं ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।